नमस्कार, मैं हूं राजेश टिकलोरिया और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जो कि पूरा मतदान पर केंद्रित है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं तौफीर ग्रुप के समूह संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत जी शुक्ला। विशेषकर चुनाव को लेकर हर व्यक्ति के मन में एक नया सवाल पैदा होता रहता है, क्या होगा इस चुनाव में, किस तरह से होंगे चुनाव, पिछले और वर्तमान चुनाव में क्या फर्क है। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं। चूंकि माननीय नवनीत जी शुक्ला को एक लंबा अरसा पत्रकारिता में हो गया है, कई बार चुनाव उन्होंने देखे हैं और बहुत सारी जो एनालिसिस किए चुनाव को लेकर, उन्हीं सारी चीजों को लेकर, सर इस चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि जो मुद्दा है, तो वर्तमान में क्या मुद्दा इस चुनाव को लेकर हावी होगा जिसके कारण एक किसी भी मतलब दल का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है या लाभ मिल सकता, हानि हो सकती है, तो क्या मुद्दे वाला चुनाव इस वक्त है या नहीं है? नहीं देखो विनोदिया जी, ये चुनाव पहला है जिसके अंदर हर महीने नहीं हर दिन मुद्दे बदले हैं। इसको अपन ऐसा मानते हैं कि आज से दो एक महीने पहले जो पेट्रोल का मुद्दा इतना गर्म था कि पेट्रोल की कीमतें आसमान पे आग लग रही हैं, वो मुद्दा जब तक भुनाने की कोशिश होती तब तक जो एस्ट्रोसिटी एक्ट का मामला आ गया, जब तक आप उससे निपटने की कोशिश नहीं कर सकते, जब तक आरक्षण का मुद्दा आ गया, जब तक आप इनसे बात करने की कोशिश नहीं करते, भावांतर में किसानों का मुद्दा आ गया, तो लगातार एक के पीछे एक हर दिन हर चौथे दिन जो है यहाँ मुद्दे बदलते रहे। ये पहला चुनाव है 15 साल के जो पिछले चुनाव है उसमें फर्क ये है कि पहला चुनाव है जिसमें इतना ज़्यादा चुनाव के बीच में भटकाव आ गया कि स्थानीय मुद्दे इस पूरे चुनाव में गायब हो गए। दूसरा ये है कि स्थानीय मुद्दों के गायब होने से ये हुआ कि ये पूरा चुनाव चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने भी, चाहे राहुल गांधी हों या दूसरे लोग भी हों, वो मध्य प्रदेश की जो बेसिक तकलीफें हैं उसको लेके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और यही स्थिति भाजपा के नेताओं के लिए, चाहे प्रधानमंत्री जी का मामला हो या और भी नेताओं का, वो सारा चुनाव उन्होंने लोकसभा पैटर्न डाल दिया कि रफाल का मुद्दा आ गया, नोटबंदी का मुद्दा आ गया, इसमें GST का मुद्दा आ गया, पर जो बेसिक मुद्दे थे वो इस भीड़ में कहीं ना कहीं गुम हो गए। यानी कह सकते हैं कि कोई मुद्दा इस वक्त हावी नहीं है, एक मुद्दा आता दूसरा मुद्दा आने के पहले ही विलोपित हो जाता है। पर जैसे भी पिछले दिनों भाजपा कांग्रेस इनके बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आए हैं, बड़े नेता भी आए हैं, ये बड़े बड़े जुलूस सभाएं और रोड शो किए हैं, तो इसका पार्टियों को कुछ असर पड़ता है, वोट बैंक को कुछ असर पड़ता है? नहीं, देखिए इस चुनाव में ये आपने देखा होगा कि आज की तारीख में कोई भी ये बोलने को तैयार, देखिए दो चुनाव हमने पिछले देखे हैं कि डेढ़ लोग बात करते थे कि नहीं भाजपा का माहौल है, निश्चित रूप से बोलते थे भाजपा का एक तरफा माहौल है। दूसरे चुनाव में जब मोदी जी की लहर चली तो लोगों का नए नए एक तरफा भाजपा का माहौल है, कांग्रेस की कहीं कोई संभावना नहीं है, लोग खुद बोलते थे और हम भी महसूस करते थे अंदर से कि नहीं यहाँ माहौल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। इस चुनाव में हमें महसूस कर रहे हैं कि लोग ये बोलने से कतरा रहे हैं कि एक तरफा माहौल है, लोग ये बोलने को तैयार नहीं, इस बार टक्कर है, इस बार कठिन है चुनाव। जब आप ये मान रहे हो कि पिछले दो चुनाव के बाद ये चुनाव में आप ये महसूस कर रहे हो कि कठिन है, इसका अंदर ये चुनाव आसान भी नहीं है। इसी चुनाव में एक और बात रही जो सबसे ज्यादा असर डालने वाली कि जब दिग्विजय सिंह जी पहला दूसरा चुनाव जब मध्य प्रदेश सरकार जिसमें उमा भारती और सारे लोग दिग्विजय सिंह के खिलाफ थे, उसमें तीन मुद्दे थे, सड़क, बिजली और पानी, जिसको लेके चुनाव लड़ा गया था उमा भारती ने, और रिकॉर्ड मतों से सरकार भाजपा की आई थी। अब सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा तो आज खत्म हो गया, बिल्कुल भी आज की तारीख में मुद्दा बचा ही नहीं है, लगभग 70% काम इस क्षेत्र में हो चुका है। पर आज की तारीख में जो बड़े मुद्दे हैं वो है रोजगार के अवसर नहीं है, यहाँ पर रोजगार को लेकर जितने आश्वासन दिए गए वो पूरे नहीं हो पाए, नए युवाओं को लेकर कोई भी बड़ी बड़ी योजना ऐसी नहीं आ पाई जिससे आप युवाओं को कहीं ना कहीं काम दे पाए। उदाहरण के तौर पर अपने मानते हैं जैसे इंदौर में करीब 100 के लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खुलवा दिए हैं, अब क्या हुआ, क्वालिटी तो पैदा नहीं हुआ पर क्वान्टिटी में इंजीनियर बहुत सारे बन गए जिनकी हालत ये कि जिसकी बेसिक सैलरी 30,000 होना चाहिए इंजीनियर की, खराब से खराब हालत में वो किसी ना किसी, आप ये मानिए कि वो उसको 7 या 6-7 हज़ार में दूसरे काम कर रहा है, वो कॉल सेंटर में काम करना पड़ रहा है। इससे युवाओं के मन में एक बड़ी नाराजगी है, उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। ये छोटे छोटे मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा को कहीं ना कहीं इंगित करते। एक बात जरूर है कि इस चुनाव में लोग शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं, मतलब शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो विरोध होना चाहिए वो कहीं नहीं, हर जगह पर स्थानीय स्तर के स्थानीय मुद्दों को लेकर विरोध है। आपके जमाने में तो कई बार आपने देखा होगा, चूंकि आपकी तो काफी लंबी एज है, मैं 60 के दशक को आप पार कर चुके हैं,
इस दौरान कई बार आपने लोकसभा विधानसभा चुनाव में किए होंगे, मेरा आपकी उम्र से ताल्लुक नहीं, मतलब आपके अनुभव बचपन से काम में लग गया इसलिए कुल मिला के पहले जो चुनाव होते थे उन चुनाव में और वर्तमान चुनाव में क्या फर्क है? हाँ देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, ये पहला चुनाव है जिसमें आपने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग देख रहे हो। आप विजिल ऐप से लेकर चुनाव आयोग ने इतने ऐप और ये सब बना दिए हैं, इस सोशल मीडिया पे चुनाव चल रहा है, आपके व्हाट्सएप पे चुनाव चल रहा है। जो चुनाव दो चुनाव पहले तक सड़कों पर, दीवारों पर, चौपालों पर चला करता था, वो चुनाव खत्म हो गया। आप ना तो चौपाल में, आप शहर में कहीं चर्चा हो रही है ना, पान की दुकानों के ठिए बचे हुए हैं जिसपे लोग एक दूसरे से बौद्धिक विचार भी करते थे और कारण बताते थे कि किसके जीतने का क्या कारण हो सकता। अब सारा मामला जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि ये पूरे मुद्दे जो है शहर के, वो सारे ठिए खत्म हो गए, वो सारे लोग खत्म हो गए जो चौराहों पर, चौरस्तों पर, ठियों में बैठ के चर्चा किया करते थे, वो अब सब समाप्त हो गए। अब लोग केवल व्हाट्सएप पर अपने डाल के गतिशील कर लेते हैं या व्हाट्सएप पे समाचार हो गया या फेसबुक पे डाल लिया है, पर उससे जो है शहर के बेसिक मुद्दे जो लोगों के बीच में जाना चाहिए वो जाना बिल्कुल बुरी तरह से बंद हो गए। मतलब चौपाल और चौराहे के मुद्दे व्हाट्सएप और फेसबुक पे सीमित हो गए हैं, तो इसका असर तो सिर्फ जाता कि युवाओं पर हो रहा है, तो जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ मतदाता हैं, क्या वो उनके कोई मुद्दे या उनके जो विचार हैं उसका कितना क्या असर पड़ेगा? वो क्या सोचते हैं एक सरकार को लेके कि भाई किसे वोट देना चाहिए, कैसे वोट देना चाहिए, वो लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग हमारे घर में अगर 4-5 साल भी एक कलर रहेगा मकान में कि सफ़ेद रंग पुता हुआ है ना, तो हम 4-1 साल बाद खुद ही दूसरा रंग करा लेते हैं, नहीं हल्का गुलाबी करा देते हैं उसको, नहीं हो तो नील डाल देते हैं उसके अंदर। तो ये हमारा भी एक स्वभाव है, ये बहुत दिन हो गया यार इसको कलर को बदल दो, तो क्या है एक नेचर भी हमारा स्वभाव है यार, बहुत दिन हो गया, बदलाव की बयार है, लोगों को लग रहा है बदलाव की बयार है यार, इसका लाभ उठाओ, तो अपन भी रंगीन कर लो अपना मकान उठा के जो भी होना। तो एक नेचर को लेके है, काम को लेके आप शिकायत नहीं कर सकते किसी के कि क्या काम है, क्योंकि लगभग लगभग सभी लोग अपना दावा कर रहे हैं, हर विधानसभा में उम्मीदवार कर रहा है कि 800 करोड़ के काम करा दिए, 1000 करोड़ के काम करा दिए, उसमें इतने काम हो गए हैं कि अगर हिसाब से काम हो तो काम खत्म हो जाना चाहिए, पर उसके बाद भी उतने ही काम आए विधानसभाओं में हैं। ये गलत बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि आप इस प्रकार अगर कर रहे हैं और ये स्थितियाँ बनी हुई, तो आपको बंद कर देना चाहिए। आप जो है जिस तरीके का वो करते हो आप, उस पर आपको इस प्रकार का वो नहीं करना चाहिए। मतलब जो मुद्दे हैं आपके पास में, उन मुद्दों को साथ में खत्म होना। एक भी इंदौर शहर का एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास में शहर के बेसिक मुद्दों को लेकर या उसकी विधानसभा को लेके कोई ऐसा मुद्दा हो कि यार मैं अगले 6 महीने में या 100 दिन में या 200 दिन में ये काम बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आज की तारीख में शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हो आप? यातायात, पार्किंग। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कोई प्लानर नहीं है कि वो अगले 5 सालों में, जो लोग जीत के बैठ चुके हैं उन्होंने भी आज तक अपने क्षेत्र में कोई यातायात की प्लानिंग को लेकर कोई प्लान नहीं किया कि ये मेरा प्लान है जिसमें मैं लोगों को सुरक्षित भी कर पाऊँ और कारोबार भी चलाऊँ। प्लान भले ना हो लेकिन अभी दो मुद्दे इंदौर में प्रमुखता से देखे जा रहे हैं। एक और जहाँ सत्ताधारी पक्ष है वो अपने उपलब्धि गिना रहा है कि इंदौर नंबर 1 रहा, जैसे अपने इंदौर की बात करें, इंदौर नंबर 1 रहा सफाई में, स्वच्छता में, और हम जल्दी यातायात में भी नंबर 1 बनेंगे। इसके अलावा विरोधी पक्ष जो है कई तोड़फोड़ अन्य मुद्दे कर रहा, तो इंदौर की जो स्थिति है वर्तमान में क्या लगता है कि यहाँ कोई मुद्दों की राजनीति हो सकती है अभी? नहीं, एक चीज जरूर है, इंदौर में आप अगर हम पुरानी बात करते हैं, इस शहर ने लीडर दिए हैं। लीडर कौन होता है? जो जनता की आवाज के साथ चलता है ना। इस शहर ने मजदूरों के नेता दिए, हमीदाजी भी यहीं थे तो राम सिंह भाई भी यहीं थे, तो अपन मैं समझता हूँ कि गुंदाराम तिवारी यहीं थे जो मजदूरों की राजनीति करा करते थे। इसके अलावा लोकसभा का कल्याण जैन तक अगर हम बात करते हैं तो वो सारे लोग लीडर है, आम लोगों के लीडर है। अब क्या हो गया है, हमारे पास जो नेता चुन के आए हैं वो लीडर नहीं है, वो आपके नेता नहीं है, वो व्यवस्था के साथ जाते ही अपनी व्यवस्था से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही वो जाके व्यवस्था से जुड़ते हैं तो व्यवस्था की आवाज में बात करने लगते हैं। जैसे आपने कहा भाई साहब यहाँ पे मेरे मकान में ये हो रहा है, तो वो अधिकारी से बात करें तो अधिकारी कहता है साहब ये नहीं हो सकता, तो उसको मना कर देते ये नहीं हो सकता। विकल्पों पर विचार करने की परंपरा इस शहर में खत्म हो गई। जब तक कोई ऐसा नेता नहीं चुना जाए जो खुद लीडर हो, जो खुद फैसले ले और वो लागू करा, जब तक इस शहर में यही दिक्कत रहेगी हर आदमी के साथ में कि वो केवल अपनी बात जाकर प्रस्तुत कर सकता है पर उसे फैसला नहीं करा सकता। पहले जैसे एक चीज वो देखने में आती है, जैसे आपने कहा कि कुछ लीडर होते थे वो पर्टिकुलर एक अपने क्षेत्र में काम करते थे, आजकल तो राजनेताओं का क्षेत्र कब चेंज हो जाएंगे कह नहीं जा सकते, तो क्या वो उस तरह से राजनीति कैसे कर सकते हैं? उनकी मजबूरी है क्योंकि पार्टी के साथ बंधे हैं,
एक क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय काम करा, पता चला उसे दूसरे क्षेत्र में फेंक दिया, वहां के मुद्दे कुछ अलग है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो एक लीडरशिप तो कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा, क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें एक और बात है, देखिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको आपके खुले ऑप्शन रखना चाहिए हमेशा। आप एक क्षेत्र पर कब्जा मत करिए, आप कब्जा करने की कोशिश करते हैं मैं इस क्षेत्र पर कब्जा बना रहा हूँ। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको मॉडल बनाना चाहिए कि मैंने इस क्षेत्र को, ये मेरा मॉडल है। आप किसी को भी बुला के दिखा सकते हो कि आप आइए मेरे क्षेत्र को देखिए, मैं ऐसा क्षेत्र बना दूंगा। जैसे आज की तारीख में लोग कहते हैं कि हम दो नंबर क्षेत्र आप आगे देख लीजिए, हम मॉडल बना देंगे, तो दूसरे लोग क्यों घबराते हैं? भाई तीन नंबर में लोग घबराते हैं या चार नंबर में लोग क्यों घबराते हैं उससे? उसका मूल कारण ये है कि जो बेसिक पहचान होना चाहिए उस क्षेत्र को विकास को लेकर, वो कहीं नहीं हुई। पहचान कौन सी हुई उसकी? भोजन भंडारे की होगी। तो दूसरे क्षेत्र के लोगों को लगता है ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हो जाए तो भोजन भंडारे शुरू हो जाएंगे। तो जो आपकी क्षेत्र की पहचान होना चाहिए वो आप अगर नहीं बना पा रहे हो और आप दूसरे क्षेत्रों में पहचान बनाओगे तो आप उस क्षेत्र की मूल पहचान खो जाएगी। अगर इंदौर से निकल के थोड़ा प्रदेश की ओर जब लोग करते हैं तो अभी इंदौर की स्थिति के अलावा जो अन्य प्रदेश है वहां कुल मिला के दूसरे जो जिले हैं उनकी स्थिति तो काफी डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, मतलब किसका वोट बैंक बढ़ सकता है, किसका घट सकता है, कुल मिला के क्या स्थिति? निश्चित रूप से देखिए इस बार एंटी इनकंबेंसी है तो सब जानते हैं कि एंटी इनकंबेंसी का लाभ जो है कांग्रेस को मिल रहा है और इसी लाभ को उठाने के लिए कांग्रेस पहली बार सड़कों पर दिख रही है। 15 साल के आपने भी चुनाव देखे, मैंने भी देखे, ये पहला चुनाव इसमें कांग्रेस सड़क पर दिखाई पड़ रही है। इसके पहले कांग्रेस कभी सड़क पर नहीं दिखी, कांग्रेस केवल चुनाव लड़ रही थी। इस बार लग रहा है कि वाकई मैदान में है। परिणाम क्या होगा ये तो अपन नहीं बता सकते कि परिणामों की क्या स्थिति होगी, पर हम ये जान रहे हैं कि इस बार पहली बार ये हो रहा है कि कांग्रेस को अपनी सरकार आती हुई दिख रही है। तो दिख रही है इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी है। निश्चित रूप से सब जान रहे हैं कि भाजपा की जो सीटें एक्सट्रीम है उससे ऊपर नहीं बढ़ेगी, तो भाजपा पीछे खसकने की स्थिति में, कितना कांग्रेस पीछे खसका पाती है उसके ऊपर सारा मामला निर्भर करता है। जैसे एक अपन एक उदाहरण मानते हैं कि हर क्षेत्र में, जैसे इंदौर में केवल पिछली बार एक सीट मिली थी कांग्रेस को, किसी से ही पूछो आपकी कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, तो निश्चित रूप से एक दो सीट तो बढ़ेगी। हर आदमी हर क्षेत्र में कहता है कि एक दो सीटें बढ़ेगी, पर अगर एक दो सीटें भी बढ़ने की बात कर रहे हैं हम तो 52 जिले हैं, 51 जिले हमारे, अगर दो दो सीटें ही बढ़ गई तो ये 100-150 सीटें निकल जाती है। पर ये एक आकलन हो सकता है, तय नहीं हो सकता ना इसका लाभ क्या। भाजपा के स्थानीय मुद्दों का कितना लाभ मिलेगा, स्थानीय उम्मीदवारों का कितना लाभ मिलेगा, ये तो समय के साथ पता लगेगा। पर नो डाउट मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को जो है कल के चुनाव पर नजर रखना चाहिए। और एक बार फिर मैं तो चाहता हूँ कि चूंकि आपको इस विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कहीं लिखा गया तो वो लिखा गया हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में लिखे हुए ग्रंथ पर ही जो है ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया चुनाव होते हैं। तो मैं सबसे व्यक्तिगत आग्रह करेंगे, मैं अपनी तरफ से आग्रह करूँगा कि आप मतदान अवश्य करें, विरोध में हो पक्ष में हो नहीं हो रहा और आप नहीं लगता तो आप मोटा करें। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे पिछली बार इतनी लहर के बाद भी देवपालपुर के देवरी खेड़ा में जो मतदान केंद्र बना था उस पर केवल 2 महिलाओं ने वोट डाला, मतलब 0.87% मतदान हुआ था, उसको केवल 2 महिलाओं ने वोट डाला। और इंदौर के जो है अभी 23 क्षेत्रों को जो है प्रशासन ने मतदान को लेकर उदासीन माना, मतलब ये उदासीन क्षेत्रों में गिने जाएंगे 23 क्षेत्र से, तो वहां के लिए भी ये कोशिश करना चाहिए कि ये लोग अधिक से अधिक मतदान में भाग लें, क्योंकि जब तक आप अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, इसलिए मतदान अवश्य करना चाहिए। मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर निशांत वरवड़े ने भी सारे मतदाताओं से अपील की है। हम भी दोपहर न्यूज परिवार की ओर से अपील करते हैं सभी युवाओं से, सभी वरिष्ठों से, सभी मतदाताओं से कि वे अपने मत का उपयोग जरूर करें, बुधवार को थोड़ा सा समय निकाले, राष्ट्र हित में, जनहित में, स्वहित में, सभी के हित में मतदान अवश्य करें और मतदान करना चाहिए, साथ ही अन्य को भी प्रेरित करें।